तो आज हम देखेंगे कि हम सर्च इंजन रैंक पेज किस तरह चेक कर सकते हैं गूगल में, कि हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे जो पेजेस हैं वो गूगल में वाकई सर्च रिजल्ट में कहाँ पे शो हो रहे हैं, टॉप 100 में हमारे जो पेजेस हैं वो कहाँ पे शो हो रहे हैं वो चेक करेंगे। आप मेरी साइट विजिट करें और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए वेबसाइट और टूल्स, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने शो होगा। और यहाँ पे जो सुपर एसईओ टूल्स में ये है गूगल एसईआरपी चेकर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का ये इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। और जस्ट यहाँ पे अपने अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वो यहाँ पे पेस्ट कर, मैं यहाँ पे एक लिंक पेस्ट कर देता हूँ। मेरे पेजेस इंडेक्स तो नहीं है अभी, बट मैं आपको इसका टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि किस तरह शो होगा। तो सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप अपना कीवर्ड लिखेंगे जो कि सर्च किया जा रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ हाउ टू अर्न मनी, लेकिन ये मेरा कोई इस तरह का जो पोस्ट है वो इंडेक्स नहीं है, ठीक है, जस्ट मैंने लिखा है आपको दिखाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज हैं, आप चेक करना चाहें तो कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही करते हैं। तो जैसे मैं टेस्ट पे क्लिक करूँगा कुछ सेकंड ये इसको एनालाइज करेगा, चीज़ को देना ये आपको प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे क्या है, डिड नॉट अपेयर इन द लास्ट, मतलब कि हमारे तो इस ब्लॉग पे या इस कीवर्ड पे कोई भी पोस्ट नहीं है, तो जिसकी वजह से ही नहीं शो है। तो ये सर्च रिजल्ट में इस तरह आपको शो करवाएगा, टॉप जो हंड्रेड्स होंगे, ठीक है, उनकी एसईओ सारी चीज़ें ये आपको इस तरह शो करवाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने 100 जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है, 100। तो इस तरह आप अपने जो ब्लॉग पोस्ट है उसका सर्च रैंक इजीली चेक कर सकते हैं। इस टूल को आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत सारे और भी जो टूल्स हैं बट वो आपको यूज़ करने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तो इसके लिए यहाँ पे आप इस टूल्स को फ्री यूज़ कर सकते हैं और ये आपको इंशाल्लाह बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, उनसे बेहतर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टूल्स के बारे में बताऊँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।